करुणा जी के लिए, अर्जुन की भूमिका में चैतन्य आदिव, विदुर की भूमिका में संजीव, एंड ये टीवी इंडस्ट्री के लोग थे लेकिन वॉइस इंडस्ट्री में धृतराष्ट्र की भूमिका में समय ठक्कर, दुशासन राजेश कावा, सत्यवती मेघना, गंगा पूजा पंजाबी, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। एंड साथ ही साथ में इस पूरे महाभारत को हजारों बार लाखों बार लिखा गया है, पढ़ा गया है, देखा गया है, लेकिन लेखनी बहुत कमाल की होती है, तो ये लेखनी के लिए इतने सारे अवार्ड धीरे धीरे जीतना शुरू कर देगी। तो मैं सुरेश काला जी के लिए एक बार जोड़ा तालियां चाहूंगा, इन्होंने इस पूरे काला साहब के लिए एक बार जोड़ा तालियां नहीं चाहिए। काला साहब खड़े हो जाइए, जरा हाथ हिला दीजिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गोल्डी नागदेव जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हरिदर्शन ग्रुप के आप सभी के बीच में यहाँ मौजूद हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिल्पा शेट्टी जी आज हमारे बीच में, उनका स्वागत पुष्प गुच्छ से करें प्लीज। वेरी लकी डे फॉर मी एंड दो वर्ल्ड्स मोस्ट गॉर्जियस लेडी हैज अकंपनीड मी, शी इज देयर पूजा, आई वुड वांट हर टू जॉइन। आइए पूजा जी। सर जी, ये महाभारत का अपना एक एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, और इतनी बड़ी जर्नी रही हम लोगों की, आपके लिए कैसा रहा और आपके लिए महाभारत क्या है? मेरे लिए महाभारत बहुत स्पेशल है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव महाभारत इज अबाउट अस एंड महाभारत इज अराउंड अस। ये हमारी सबकी कहानी है और हम इस कहानी के विटनेस भी हैं। इट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। एंड यहाँ लिखा रहता है, आप लोग बोलते भी हो प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, लेकिन महाभारत का कोई स्पॉन्सर नहीं हो सकता। आई सी माई सेल्फ एंड माई कंपनी एज अ वॉलंटियर विच लाइक्स टू सपोर्ट फीवर इन ब्रिंगिंग दीज प्रॉपर्टीज लाइक महाभारत, रामायण, बजरंगी, बाल गोपाल, साई, बिकॉज मैं चाहता हूँ यूथ ऑफ द कंट्री, नॉट सो यूथ एंड नॉट सो वेरी यूथ शुड लिसन टू दिस। इसमें वैल्यूज हैं, इसमें कल्चर हैं। लास्टली बट नॉट लीस्ट, आई बिलीव स्पेशली वाई महाभारत, बिकॉज महाभारत इज अबाउट सो मैनी, एज आई पुट इट, अल्फाबेट डी, ओके, डेस्टिनी, डिसीजंस, डिसेप्शन, डेविल, डिवाइन, यू नो आई मीन द्रौपदी, ऑफकोर्स I mean, you know, being on the same stage with you, I'm a little dumbfounded, but then, you know, I'm sure it should happen. Yeah. So, you know, yeah, of course. So, I think there's a lot to learn. Aap isko jitni baar padhe, jitni baar dekhe, utna achha hai. Radio, jab hum radio pe koi cheez sunte hain, to words are plain words. But when those words are spoken by all these great personalities, you know, the words get visually charged. Aap unko feel kar sakte hain, unko sun sakte hain, they get the right depth. So I'm fortunate that we had this opportunity to associate with this great epic. Thank you so much. Thank you to all the Fever team. Thank you all. Thank you, sir. Bahut bahut shukriya. Haridarshan Group, jinhone hamesha hamari madad ki hai aur aaj महाभारत के साथ खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सीईओ पावर ट्रैक्स के मिस्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, इसमें हमारे साथ में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब का। जी बिल्कुल, आज के लिए स्टडी की है। आइए, जोरदार ताली होनी चाहिए। सर जी, यही मौका है शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अरे वाह, ये बात नहीं, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। नहीं, आप रहिए, फोटो भी आएगी साथ में। नमस्कार सर, एक्चुअली आप लोगों की आवाज़ के सामने तो हमारी आवाज़ कुछ नहीं है, तो आपके बात सुनने के बाद हम लोग को थोड़ा इन्फीरियरिटी हो गई है कि आपके सामने कैसे बोलें, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हेलो एंड गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल, आई लक्ष्मी नारायण गुप्ता फ्रॉम पावरटेक्स ब्रांड और पावरटेक्स टूल्स कंपनी Hyderabad is one among the topest brand in tools in India. It's an honor to speak in front of all of you.
आई बिलीव रेडियो इज अ वन अमंग द बेस्ट वे टू रीच कॉमन पर्सन. महाभारत इज इंडिया बिगेस्ट एपिक एंड मोर ओवर द कैरेक्टर वॉइस आर सो मैजेस्टिक दैट दे ड्रॉ एवरी वन अटेंशन एंड रियली इट्स हैपनिंग. एवरी वन कॉल अस से ओ वी हियर द महाभारत वेरी गुड. सो इट्स ए कंप्लीमेंट फॉर अस. अबाउट ब्रांड पावर टेक्स इज अबाउट टूल्स यूज बाई कॉमन पर्सन टू इंडस्ट्रियलिस्ट. वी वॉन्ट टू रीच आउट टू दैम इन होमली एंड पावरफुल वे. दैट्स वाई वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस महाभारत एपिक विथ फीवर एफ एम ए काइंड ऑफ डी टी एच डायरेक्ट टू हार्ट अप्रोच. एंड वी आर हैप्पी टू चूज फीवर एफ एम टू प्रमोट अवर ब्रांड. फीवर एफ एम लोगो स्लोगन से नंबर वन तो नंबर वन होता है. आई वुड लाइक टू एड आई इससे ज्वाइन करने वाला भी नंबर वन होता है. दैट इज पावर टेक्स टूल्स ने भारत के लोगों की पहली पसंद. पावर टेक्स से लाइफ मस्त है और महाभारत से जुड़ने के बाद लाइफ और भी मस्त हो गई है. थैंक यू. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी. एंड हमारे बीच में विवेक ओबेरॉय आ चुके हैं. क्या बात. जोरदार ताली होनी चाहिए. लेकिन विवेक ने जो परफॉर्मेंस दिया इट वॉज फैंटास्टिक. मतलब मैं रिकॉर्डिंग में था उस समय. मैंने बाद में सुना जब आप चले गए थे. मैं चाहूंगा प्लीज एक बार ऑडियो प्ले कीजिए क्योंकि हमने सबके इंट्रोडक्शन में ऑडियो प्ले किया था. बाजू में ही है. हेलो हेलो. मतलब हॉट हो गया आज पुष्प कृष्ण. अरे दिलीप ताहिल का जन्मदिन है. दिलीप ताहिल जबरदस्त तालियां. थैंक यू एवरीवन. ओके एवरीवन बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday dear G. Happy birthday to you. दिलीप जी आपको मालूम नहीं है कोऑर्डिनेट करते करते कितनी मेहनत लगी है. और ये एक पहले कलाकार है हिंदुस्तान के जो पिछले हफ्ते शूटिंग कर रहे थे. इनको कोई सीक्वेंस ऐसा करना था तो इन्होंने लिखवा के वो सीक्वेंस किया और सीक्वेंस बहुत शराफत का था. बलात्कार का रेप का. तो ये पहले एक्टर है जिन्होंने राइटिंग में सब कुछ लिया होने के बाद उसका वीडियो किया और उसके बाद शांतिपूर्वक रात को सोए और कहीं से कोई फोन नहीं आया. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. दिलीप जी नसीब समझिए कि शक्ति कपूर साहब ने अपने करियर में ये काम नहीं किया वरना दो फ्लैट और खरीदने पड़ते. वो जगह होती जहां पे ये सब कागज पड़े होते हैं और कम से कम 10-12 टीवी बीवी क्या बोलते हैं टीवी होती ना वो अरे नहीं जीबी टीवी जितनी भी होती हैं वो सब भर जाती. इतना आपको वीडियो लेना पड़ता सर. एंड रवि आर्या इस समय हमारे साथ में मौजूद है नेशनल मार्केटिंग हेड. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए रवि के लिए. जयती भाटिया बहुत ही महत्वपूर्ण है. और दिलीप जी आपको मालूम नहीं है आपका बर्थडे और इसको जोड़ते हुए कितना वक्त लग गया. सिर्फ शक्ति जी ने बताया सजेशन दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग. तो इसे पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहिए शक्ति जी का जी. हाँ भाई तो चलिए जी ये तो खैर सक्सेस की शुरुआत है. अभी तो बहुत सारे हम लोगों को काम करने और ये पूरी टीम हमारे साथ में जुड़ी हुई है फीवर के साथ में. लेकिन इस समय हमारे साथ में गौरव मौजूद हैं. गौरव कॉफी जी. गौरव रेडियो के इतिहास में महाभारत अपने आप में यूनिक और फीवर एफएम हमेशा से कुछ नया करता आया है. ये महाभारत ही क्यों चुना आपने? आई थिंक वी ऑलवेज स्ट्राइव्ड कि कुछ नया करें कुछ हटके करें कुछ डिफरेंट करें एक ऐसा स्केल करें जो अब तक रेडियो पे नहीं हुआ. और ये फीवर का आई थिंक हमेशा का एक एम रहा एक ऑब्जेक्टिव रहा. हाल ही में 3 साल पहले रेडियो नशा शुरू किया जो एक बहुत ही कूल रेट्रो चैनल है. इनफैक्ट शक्ति जी होस्ट द शो ऑन रेडियो नशा एज क्राइम मास्टर गोगो. तो वो भी एक नया अंदाज था क्योंकि रेट्रो चैनल्स थे लेकिन एक कूल रेट्रो चैनल नहीं था. रेडियो ड्रामास की शुरुआत फीवर ने की रामायण के साथ. और विद एवरी प्रोजेक्ट वी सेड कि लेट्स मेक इट बिगर लेट्स मेक इट ग्रैंडर. थिएटर ऑफ माइंड जो रेडियो को कहा जाता है उसको एक अलग दिशा एक अलग लेवल पे लेके जाना जहाँ पे एक ही सीन में एक ही एपिसोड में सारे के सारे महारथी जो आप स्टेज पे देख रहे हैं वो सब हैं उस सीन में. बट फिर भी एवरीवन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर. उसको क्रिएट करना जहाँ पे आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं. सो टू टेक थिएटर ऑफ माइंड टू अ डिफरेंट लेवल आई थिंक दैट वॉज महाभारत.
बट वैसे अगर देखा जाए तो फीवर हर किसी मुकाम में कुछ ना कुछ अलग करता है. स्पोर्ट्स के एरिया में सारी की सारी जो आईपीएल टीम्स हैं उनके रेडियो पार्टनर्स हम हैं, जहाँ पे भी हम शामिल हैं. ऑल द स्पोर्ट्स वी सपोर्ट. तो अगर स्पोर्ट्स हो या फिर रेडियो ड्रामा हो, आई थिंक इट इज़ अबाउट रेडियो प्लस. रेडियो सिर्फ अब म्यूजिक का माध्यम नहीं रह गया. रेडियो पीपल वॉन्ट टू कम एज एन एक्सपीरियंस. दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ लॉट मोर. एंड आई थिंक फीवर इज़ द फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो एक रेडियो प्लस लेकर आया है. एंड आई थिंक महाभारत इज द बिगेस्ट थिंग इन दैट. सो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है. एंड वी हैव इस पूरे शो के डायरेक्टर शुभांतो रे. शुभांतो, कास्ट की अगर बात करूँ तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो महाभारत में फिट हो सकते हैं. कई लोगों ने फ़ोन भी किया है और मुझे अच्छे से याद है गौरव को कम से कम 18-19 एक्टरों ने फ़ोन किया कि हम क्यों नहीं. तो आप इसका रीज़न बताइए कि ये कलाकार. ये सवाल मुझे सभी कलाकारों ने भी पूछा था. आई रिमेंबर शिल्पा के साथ पहली मीटिंग थी. शिल्पा ने भी वाह मुझे बताओ कि मैं क्यों. हाँ ये मैंने सबको एक्सप्लेन किया था. लेकिन आप मेरे ख्याल से एक महीना हो गया महाभारत को और एक महीने बाद मुझे लगता है आप किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं. ये आवाज़ें अपने आप में डिफाइंड हैं, बता रही हैं कौन क्या कर रहा है. आप एक झलक सुनेंगे और आपको पता लग जाएगा ये कैरेक्टर है. मुझे नहीं लगता कि अगर पितामह का कैरेक्टर शत्रु जी नहीं प्ले करते तो और कौन प्ले करता. क्या बात है. ये आवाज़ नहीं प्ले करती जो अपने आप में वजन है, ख़त्म है, उसके आगे कुछ है नहीं. आप कर्ण को देखिए. आप विवेक ने जिस तरह, अच्छा विवेक की शुरुआत ही वॉइसिंग डबिंग इंडस्ट्री से हुई. दैट इज़ समथिंग विच आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बड़ी खुशी भी कि मैं विवेक को वापस उस डबिंग की दुनिया में लेकर आया. और बहुत कन्विंस करना पड़ा वैसे मुझे विवेक को इस रोल के लिए. लेकिन क्योंकि ये विवेक खुद एज ए पर्सन वो बहुत हेल्प करते हैं टू द यू नो पीपल हु सोशली बहुत लोगों को अपलिफ्ट करते हैं. तो इसलिए उनका बताइए इससे ज़्यादा कूल भीम कहाँ मिलेगा आपको. ये होती है कूलनेस. भीम की कूलनेस ऐसी होती है. और यही सवाल मुझे शक्ति जी ने भी पूछा था कि मैं क्यों. मैं आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोलूँगा जो मैंने शक्ति जी को बोला था. मैंने कहा शक्ति जी माफ़ कीजिएगा लेकिन आपसे ज्यादा कमीनी आवाज इस इंडस्ट्री में और किसी की नहीं है. और शकुनी के लिए मुझे यही चाहिए. एंड लाइक ही द काइंड द मोमेंट हिज वॉइस कम्स ऑन एयर. मुझे याद है जब हमने पहला एपिसोड एयर किया था, पहला कॉल जो हमको आया था वो लखनऊ स्टेशन में आया था. एंड दैट गाय फर्स्ट थिंग इज सेड लोमड़ी सा सोचो बाघ सा नोचो. शक्ति जी ने कमाल कर दिया. और मैंने वो क्लिप वो क्लिप इनको भेजा भी था. और जयती जी के साथ मेरा पुराना एसोसिएशन है. जब मैंने रामायण किया था तब केकई की भूमिका जयती जी ने की थी. और इनको इसलिए मैंने कहा तो गांधारी का जब आया तो मैंने कहा ठीक है आंखों में पट्टी बांध के मैंने इनको बुला लिया. शिवांत जी और क्षमा चाहता हूँ. हाँ जी ये मी टू का जमाना है. अच्छा तो किसी के बारे में कहना कि पुराना एसोसिएशन है. ओ अच्छा जरा सोच समझ के. मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं. रामायण जब हुई थी तब मैंने राम की भूमिका की थी. इन्होंने मेरी माँ की भूमिका की थी. तब महाभारत में मैं दुर्योधन की भूमिका करूँ. ये मेरी माँ की भूमिका कर रही है. अब क्लियर है. एकदम क्लियर है. भूमिका से अच्छा. और जी दलीप जी थिएटर मैंने इनके कुछ प्लेस देखे हैं. और वो बुलंद आवाज़, वो कमांड जो है एक आवाज़ में जो गुरु द्रोण के कैरेक्टर के लिए चाहिए था. मैंने सीधा गौरव को बोला. मैंने गौरव प्लीज़ दिलीप जी से कांटेक्ट करें और आई वांट हिम टू प्ले दिस कैरेक्टर. और मैं बड़े उसके साथ इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ बैठ के दिस स्टारकास्ट विच इज़ सिटिंग हियर इज़ माई फर्स्ट चॉइस. And I'm very grateful to them कि इन्होंने हमने इनको अप्रोच किया. उन्होंने पहली बार हाँ कर दिया. And here's महाभारत and the महाकास्ट for you. क्या बात है. जोरदार ताली होनी चाहिए शुभांतो के लिए. एंड शुभांतो के लिए स्पेशली एक बार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये जो प्ले बनाना बहुत टफ होता है. मतलब कितने घंटों की
कितने दिनों की मेहनत, आप सोच नहीं सकते, नॉन स्टॉप एक महीने हो गए ये लोग ना खाए ना पिए, अच्छे से ना सोए हैं, इसलिए एक बार जोड़ा तालियों चाहिए शुमान तो उनकी पूरी टीम के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ पर कोने कोने में, मैं एक्चुअली मैं अपनी टीम का नाम जरूर लेना प्लीज दीजिए यहाँ पे, माय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दीपिका फोमन, जोड़ा तालियां दीपिका के लिए यहाँ पे भी हैं आप। ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, डिजाइनिंग ऑफ द होल साउंड, रात रात बैठ के सौरभ भुंजाल माय साउंड डिजाइनर सौरभ हु इज राइट नाउ बिहाइंड द कंसोल, सागर इज माय एडिटर, रुंशुन एंड रुंशुन आई थिंक शी इज समवेयर हियर ओनली, तनुषिता दे आर माय असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा डांट इनको पड़ती है लेकिन बहुत मेहनती बच्चे हैं ये, एंड दे हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन द होल प्रोजेक्ट, सो द क्रेडिट गोज टू देम। वो तो सर पहले ही, मैं तो खड़ा होके सम्मान के साथ पहले ही खड़े होके, काला साहब, सुरेश काला जी, काला जी खड़े हो जाओ फिर से एक बार, बहुत छुपते हो। मेरा हर एपिक यही लिखते हैं, मेरा हर एपिक यही लिखते हैं, रामायण से लेकर महाभारत तक यही लिखते आए हैं। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है केकई करके, कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, तो बड़े जबरदस्त राइटर हैं और ये एसोसिएशन बना रहे हमारा। देखिए, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं मैडम बोल रही है। अच्छा हाँ, ये चीज़ ये बताएंगी एक राज, ये और ये महाभारत जो बनाया गया है ये सिर्फ एक ही कारण से, क्यों, ताकि गौरव जी युधिष्ठिर प्ले कर सके। A big hand for him also, please. इस समय हमारे साथ में पूरे स्टाकाश मौजूद है, तो शुरुआत इष्ट परम पूजनीय आदरणीय से शुरुआत की जाए। शत्रु जी, भीष्म पितामह एक ऐसा चरित्र जिसकी उस जमाने में भी जरूरत थी, आज की तारीख में भी राजनीति में जरूरत है, तो भीष्म पितामह एक अपने आप में संपूर्ण चरित्र को लिए हुए हैं। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा और इच्छा मृत्यु थी उनके पास, जब तक वो मरना नहीं चाहते थे मरते। ये रोल कितना महत्वपूर्ण है और इस महाभारत में कितना महत्व रखता है? मैं जरा अनुराग, आपको धन्यवाद देते हुए पहले तो मैं जितने स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं और ख़ासकर कलाकार और हमारे मित्र और इसके मुखिया गौरव जी को, यहाँ पे राहुल बैठे हैं उनको, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, यहाँ पे हमारे मित्र सहयोगी दिलीप ताहिल बैठे हैं उनको, हमारे छोटे भाई परिवार के अभिन्न अंग विवेक ओबरॉय उनको, हमारी नायिका, हमारी बहुत अच्छी, ज़माना ख़राब है ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नायिका, बहुत अच्छे कलाकार, और इसने बहुत सुंदर काम किया, हमेशा करते हैं इसमें भी बहुत सुंदर काम किया, ऐसी हमारी शिल्पा शेट्टी, और जो एक ज़माने में बहुत हार्मफुल थे वह इन दिनों टोटली हार्मलेस हो चुके हैं, और कुछ मी टू का कमाल है, और साथ ही साथ इनकी बेटी जो हैं, जो आज नाम रोशन कर रही हैं श्रद्धा कपूर, उनका भी कमाल है कि उसकी वजह से इनके बहुत ज़बरदस्त अंकुश पड़ गया है। ऐसे हमारे अभिन्न अंग जो हैं हमारे फिल्म उद्योग के भी और हमारे परिवार के भी, शक्ति कपूर जी, साथ में बैठी हुई जयती जी के साथ सीमांतो जी हैं, तमाम सम्मानित मंच और तमाम आप लोग जो आए हैं उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ आपके अनुराग जी, आपने जो हमसे पूछा है महाभारत में, जो आपने कहा कि आज की राजनीति में वैसे लोगों की ज़रूरत है लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, ये जो आप हैं ना, मिल कोशिश उस राह पे, मेरी तुलना नहीं हो सकती है ख़ासकर भीष्म पितामह से, देवव्रत से, गंगा पुत्र से, मेरी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उस राह पे चलने की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, उसी कोशिश में, कोशिश की प्रक्रिया में हम सब इकट्ठा हुए, लेकिन महाभारत पे पहले कह दूं कि महाभारत जैसा आज शब्द का इस्तेमाल करो, दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एपिक, ऐसा जो है कि क्या नहीं है इसमें, ज्ञान है, गुण है, कमिटमेंट है, मार्गदर्शन है, जीवन शैली का परिचय है इसके अंदर, वो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ड्रामा है, पैशन है, ऐसा तो शायद बिड़ले ही विश्व में शायद ही कोई महाकाव्य मिलेगा जैसा महाभारत है। हमारे यहाँ ये दोनों जो महाकाव्य हैं,
या तो रामायण या महाभारत, दोनों मैं सही मानों में कह सकता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये कैरेक्टर भीष्म पितामह का, जो मैन ऑफ स्टील, जो प्रतिज्ञा करता है तो हस्तिनापुर में जाकर, यानी सेवा का, सेवा भावना के साथ सत्ता से दूर रह के, और ये बात को मानते हुए जो आज मानना चाहिए, लोग मानते नहीं आज की राजनीति में, कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। आजकल सत्ता मेवा का माध्यम है हमारी राजनीति में, लोग सत्ता के जरिए कमाने के सोचते हैं, वहाँ सब कुछ गंवा कर सत्ता के जरिए सेवा करने की भावना और संकल्प लेकर, जैसे हमारे भीष्म पितामह सामने आया, देवव्रत गंगा पुत्र, वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है और सही मायनों में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तालियां, तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट शत्रु जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपके हिंदी शब्द वाक्यांशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कि ऐसे हिंदी बहुत कम मिलते हैं। एंड अरे मुझे भी तो मौका मिल रहा है ना यार बोलने, शत्रु जी यार अनुराग आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भैया। बस इसी सुनने के लिए तो आज का शो करने आया मैं, रेडियो शो छोड़ के तुरंत यहीं पे आया मैं। हमारे साथ में शिल्पा शेट्टी जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्रौपदी का द्रौपदी का कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक है और आज भी लोग उसको आदर्श मानते हैं हिंदुस्तानी परिवेश में, और लोग कहते हैं कि अगर वुमेन राइट्स की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, तो पहली महिला थी जिसने महाभारत में खड़े हुए उसने वाला कि मैं द्रौपदी हूं। ये चरित्र अपने आप में बहुत ही यूनिक है, तो इसके बारे में कुछ और बताइए। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए महाभारत करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है, वाह, तो ये एक एडवांटेज रहा मेरे आपकी लिए। चेष्टा सराहनीय है। हाँ बस कोशिश ही जारी है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आई थिंक उसी वजह से मैंने हाँ कहा इस भूमिका को करने के लिए, और मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत ही मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि जितने भी दिग्गज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही आसान है शायद इस लैंग्वेज को अपना बनाना, लेकिन मेरे लिए इट वाज रियली अ लर्निंग कर्व। और लकीली मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मेरा बच्चा है जिसको मैं बैठ के कहानियाँ सुनाती हूँ रामायण की महाभारत की, तो मैं चाहती थी कि मैं इस शो के ज़रिए उसे एक माइथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूँ, और आई एम रियली हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर। द्रौपदी का जो किरदार था बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जैसे आपने कहा शी वॉज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और वो क्या है आई थिंक वो एक शी केम विथ समथिंग टू डू, शी केम विथ अ जॉब ऑलरेडी, तो वो पैदा नहीं हुई थी, वो अग्निपुत्री थी, तो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, तो फॉर हर शी केम टू काइंड ऑफ गिव बैक टू हर फादर, और उस बदले की भावना को जो है वो कृष्ण ने देखा और उसे कन्वर्ट कर दिया टू फाइट हिज वॉर, तो एक नए युग को जन्म देने के लिए आई थॉट शी प्लेड अ वेरी वेरी पिविटल कैरेक्टर। तो हर स्ट्रेंथ वॉज समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी युग में किसी भी औरत के साथ जिस किस्म का शोषण उन्होंने सहा, मैं द्रौपदी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शी वॉज एबल टू नॉट जस्ट कम आउट ऑफ इट बट शी बिकेम स्ट्रोंगर, एंड शी यूज दैट पेन एंड शी यूज इट एज अ स्ट्रेंथ टू फाइट द वॉर। सो आई फेल्ट दैट उस स्ट्रेंथ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, एंड या सो आई जस्ट थिंक इट्स अ कैरेक्टर दैट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड मैंने बहुत सारे किरदार प्ले किए अपनी जिंदगी में, लेकिन टू बी एबल टू लेंड माय वॉइस टू अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एंड विथ ऑल दीज अमेजिंग एक्टर्स वाज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में विवेक ओबेरॉय जी, एक बार जोरदार तालियां ही चाहिए। विवेक करण, आपको बता दूं कि रेडियो में इंटरव्यूज़ करता हूं मैं, तो हम लोग महाभारत की बात करते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स रेडियो में आते हैं, मैंने तकरीबन 20 या 25 लोगों से पूछा है
कि आप कौन सी भूमिका निभाना चाहेंगे, उसमें से 25 में से भाई साहब 18 व्यक्तियों ने कहा है कि वो कर्ण बनना चाहते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कर्ण की भूमिका में? सर्वप्रथम तो मंच पर प्रस्तुत सभी महानुभावों को और मित्रों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम। मीडिया के सारे मित्रों को प्रणाम, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे श्रोताओं को प्रणाम, और उनसे भी इम्पोर्टेंट पिक्चर पांडे जी को प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आप वहाँ नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। यार बात तो सही है आपकी। मैं जब सभी किरदारों को देखता हूँ, जब मुझे पूछा भी गया, क्योंकि मैं शायद इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अर्ली स्टेजेस में जुड़ा, तो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा यार मैं कर्ण प्ले करना चाहूँगा। और उसका रीज़न ये है कि शायद जब मैं छोटा था तो एक फैसिनेशन कृष्ण की ओर था, अर्जुन की ओर था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो मैंने हिंदुस्तान के ग्रामीण विभागों में यात्राएं की हैं, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, कहीं स्कूल का निर्माण करना, कहीं जो गांव, जैसे सुनामी में जो गांव बर्बाद हो गए थे तो उनका पुनर्निर्माण करना, तो वो सारे जो अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किए, वहाँ से मुझे ऐसे लगने लगा कि जो कर्ण का किरदार है ये आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और आप देखें हमारे दलित समाज में वो जिंदा है, आप देखें हमारे एससी एसटी एनटी समाज में, आदिवासियों में आज भी वो कर्ण जिंदा है। मेरिट के बेसिस पे उन्हें जो उभर के आना है आगे, वो होता नहीं है। अब भी हमारे यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है, पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉरपोरेट दुनिया में है। वो जो मेरिट पे कर्ण को आगे आना चाहिए था, जो उसे नहीं आने दिया गया सूतपुत्र कहकर, वो कहीं ना कहीं आज भी इस देश का एक नैरेटिव है, और उसे बदलना बहुत ज़रूरी है, वो याद दिलाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और उसी के अंदर एक और बहुत सुंदर बात है, मैं अक्सर ऐसी जगहों में जाता हूँ जहाँ पे खुद लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहाँ घर पे खाने को एक निवाला नहीं है, लेकिन आपको अंदर आमंत्रित कहेंगे और उस निवाले को भी वो आपके साथ बांट के खाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी। ये हमारे संस्कार है, संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, और उस संस्कार का प्रतीक है दानवीर कर्ण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हजारों साल हो गए, सदियां बीत गई, लोग महाभारत के युद्ध को याद करते हैं, लेकिन कर्ण का जब नाम लिया जाता है तो पहली और आखिरी बात यही होती है कि दानवीर कर्ण। क्या बात, बहुत बढ़िया विवेक, क्या डिस्क्राइब किया आपने कर्ण को, बहुत खूब। इसीलिए और इस समय हमारे साथ में शक्ति कपूर साहब मौजूद हैं। शक्ति जी माइक्रोफोन लेके बिल्कुल तैयार हैं। शकुनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, इस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे कुछ भी हो ये तो वो युद्ध जीतेंगे ही हर हाल में। तो आपको क्या लगता है कि जो शकुनी थे वो वाइट थे, ब्लैक थे, ग्रे थे, क्या करेक्टर था उनका, चरित्र था? क्योंकि हर इंसान अपने अपने करेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि आप काम कर चुके हैं। तो शकुनी आपके हिसाब से कौन है? सबसे पहले जब मेरे पास ये महाभारत लेकर आए, उससे पहले मैं, गौरव जी मेरे पास आए थे एक दूसरे शो के लिए जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो शो, बड़ा इंटरेस्टिंग शो। मैंने हाँ बोली, शो शुरू हुआ। हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार बंबई के रेडियो पे शो करते हैं, अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेरे लिए रेडियो पे शो करना थोड़ा सा सोच का मामला था। पर गौरव साहब ने बोला नहीं, ये शो का नाम भी रखा है क्राइम मास्टर गोगो, तो वो शो हमारा शुरू हुआ रेडियो पे। बड़ा मुश्किल शो था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कलाकारों की जिंदगियों के बारे में रेडियो पे बताना था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो शो शुरू हुआ। जो दूसरे रेडियो पे शो थे, आप लोग आश्चर्य होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा शो क्राइम मास्टर गो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और रेडियो नशा पे बहुत जल्दी शो क्राइम मास्टर गोगो जो शक्ति कपूर का था, गौरव का जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये शो नंबर वन पे आ गया। तालियां 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 तालियां। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि हाँ मैं रेडियो पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की हिस्ट्री पे रिसर्च की और उनके बारे में मैंने प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आश्चर्य और बहुत खुश था जब मेरे को मेरे सीनियर शत्रुजी साहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने रिसर्च की
और औरों के एपिसोड एक थे या दो थे या तीन थे, सबसे ज्यादा एपिसोड मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शत्रु जी की जिंदगी के बारे में मैं बोल सका, और सबसे बड़े फॉलोइंग जो हमारे रेडियो पे हुई है शत्रु जी के शो पे हुई है, इनके एपिसोड्स पे हुई है, और ये हमारे सीनियर है इंस्टीट्यूट के, महान इंसान है। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किलें आई, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हूँ, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं फंसता रहा, पर मैं मेजरली फंसा, मुझे जिंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम से निकालने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं थी, एक ह्यूमन ग्राउंड की समस्याएं थी, जहाँ एक इंसान को कोई और दूसरा इंसान चीट कर रहा है, लेकिन उसको सही समझाना शत्रु साहब का काम था जो उन्होंने समझाया। हाँ, इसमें पैसा आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल इसका, जो ये महाभारत, ये हमारे अजीज हमारे पास आए, बोले कि एक कैरेक्टर है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे को महाभारत के बारे में, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, उतना इल्म है मेरे में जितना मैं बड़ा होता, मैंने पढ़ा नहीं है, पर जानता हूँ कि महाभारत, जैसे बोला शत्रु जी ने कि महाभारत और रामायण, रामायण एक ऐसी चीज़ है, एक कमाल, एक मतलब पवित्र है कि शत्रु जी ने अपने घर का नाम भी रखा है रामायण। मेरे ख्याल से तालियां बज सकती हैं। आजकल हमारे बच्चों को मालूम नहीं है वैसे कि क्या है ये, कितने बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये जो महाभारत रेडियो पे आया है, मुझे इन्होंने बोला कि हम रेडियो पे चलाएंगे, आपकी आवाज़ें जनता को समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 तो शक्ति कपूर हैं जो अब मेरी आवाज़ें इमिटेट करते हैं, उनको ले लो, और शत्रु जी को तो 200 हैं, खामोश बोलेंगे शत्रु जी आगे। हाँ, फिर ये बोले नहीं, विवेक ओबरॉय है, उसकी आवाज़ जो नेचुरल है शत्रु जी की। मैंने कहा शत्रु जी हैं? बोले हैं। मैं कहा अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, अगर वो हैं तो मैं हूँ। बोले शिल्पा जी, अगर मैं कहा शिल्पा जी नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो मैंने शत्रु जी को फ़ोन लगाया, बोले हाँ बचे मैं हूँ। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो रेडियो पे आ सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा, कसम से बोल रहा हूँ दिल से। शिल्पा जी, हमने बहुत काम किया शिल्पा जी, मैंने कहा शिल्पा जी इतनी शुद्ध हिंदी, ये अंग्रेजी बोलते बोलते थकती नहीं है, हिंदी कैसे बोलेंगी? शिल्पा शेट्टी, ये मेहनती बहुत है। एक फिल्म के अंदर, जिस फिल्म में मैं नहीं था, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि शक्तिदा ये कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने कहा मैंने जो कैरेक्टर किए हैं वो ऐसा अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो बोले नहीं, फिर भी तो मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं। तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि शुकनी का कैरेक्टर, तो मैंने जब इनसे बात हो रही थी, फिर विवेक ओबरॉय 3 सितंबर, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक राम था एक रावण था, वो दूसरी बात है, हम September 3rd ये भी है, मैं भी हूँ। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं कहा विवेक ओबरॉय ये भी इतना कुछ बोल रहा है यार, इतनी शुद्ध हिंदी, मैं बचपन में देखा, मतलब इनको बचपन में इनके तो लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगा बड़ा मॉडर्न है, ये अचानक शुद्ध हिंदी, गाँव खेड़े में गुड वर्क तो September 3rd के सभी करते। मैंने जल्दी क्या बात है। हाँ, अभी इनका सबको मालूम है, मेरा सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बोलता नहीं, अच्छा काम करो डालो अंदर, है ना। तो मैं बोलता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ वैसे, हाँ बाप ठीक है। तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा शुकनी कौन था भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी शिवांगी, वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और महाभारत भी जानती हैं, रामायण भी जानती हैं, तो उनका मैसेज आया, पढ़ देता हूँ। शुकनी कौन था और मैंने क्यों किया, इट्स अकॉर्डिंग टू माई वाइफ, शी सेड ओके डू इट, देन आई डिड इट। शुकनी मामा इज अ वेरी रिवेटिंग एंड कलरफुल पर्सनैलिटी, द शेड्स एंड लेयर्स टू हिज पर्सोना आर फन टू एक्सप्लोर। समझ गया ना, इंग्लिश आती है ना, इतनी शुद्ध हिंदी बोली है, लोगों को साथ अंग्रेजी भूल गई हो।
तो मैं बोल रहा था फन टू एक्सप्लोर डिसेप्टिव येट फनी मैग्नमस येट येट मैग्नमस येट ये क्या है अरे ये क्या है इंग्लिश में मैग्नानिमस येट नार्सिसिस्ट हां आगे एट द सरफेस बट अ स्टोरी अंडरनीथ हां एंड शीशद यू मस्ट से दिस आई हैड फन प्लेइंग दिस रोल और मैंने कहा और क्या बोलूं बोलो और कुछ नहीं तो मैंने कहा शुद्ध हिंदी मुझे भी आती है तन्नी तनुदा तत्माल तरुव छाए मसी कागज छू नहीं कलम कहीं ना हाथ लाली मेरे लाल की जिद क्यों लाल माया तेरे तीन नाम पड़सी पड़सा परस राम वाह 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 शक्ति जी वाह वाह क्या बात है क्या बात है कमाल कर दिया है ना वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ बट मैं आज मुझे मौका मिला है मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मजाक कि पहली मरतबा जिंदगी के अंदर रेडियो शो के अंदर रेडियो को इनके चैनल को हम सब को खुशी इस बात की है कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हिट है गली गली में गांव गांव में शहर में यहाँ तक कि आज की जो जनरेशन है जिनको कुछ मालूम नहीं है इस प्रोग्राम के जरिए आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है कि महाभारत में कौन कौन क्या था क्या बात शुकनी एक ऐसा कलाकार है एक ऐसा एक्टर है जिसकी टांग एक लंगड़ी थी जब मैं डबिंग भी करता था रिकॉर्डिंग भी करता था तो मैं ऐसे करता था मामा तो वो इफेक्ट आता था ना रेडियो में समझ गया ना आपको देख तो रहा नहीं है आपको अब गले से क्या क्या आदमी करेगा मेहनत तो मैं बोलता था हाँ हाँ जी हाँ जी कसम से ऐसे आप पूरा किया तभी बोले कि बहुत अच्छा आया है बहुत अच्छा है हाँ हाँ ये दूसरी बात है कि हिंदी बोलते बोलते मैं मर गया बर्बाद हो गया तबाह हो गया मतलब आधी आधी रात को मैं हिंदी का वर्ड याद नहीं आता था वो मैं आधी रात को बोल रहा हूँ मेरी बीबी बोल रही क्या हो गया पागल हो गया है मैं कह नहीं महाभारत हा 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 लोमड़ी सा सोचो बोले तू हमेशा सोचता है एनीवे आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच अ ह्यूज शो शत्रु जी शिल्पा जी मतलब ऐसी स्टार कास्ट अगर पिक्चर की हो राहुल वो दलीप कांग है वो हैप्पी बर्थडे वाला जब से इसने एग्रीमेंट साइन किया है बहुत खामोश हो गया है बहुत खामोश है एनीवे मैं उसके बारे में बात नहीं करता मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि शत्रु जी इस प्रोग्राम में हमें थे और हैं दाखिल हुए हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ शिल्पा जी इस प्रोग्राम में आए विवेक जी तो हम जितने छोटे मोटे कलाकार थे हम भी बड़े हो गए शत्रु जी थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर क्या बस मेरी बीबी बोलते तुम बहुत बोलते हो थैंक यू नहीं पर आज आपने कुछ बोला ही नहीं आपने शुरुआत क्यों अंत कर दी इतना जल्दी शक्ति कपूर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अरे पीछे तक क्या बात कर रहे हैं आप जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसा मत कीजिए एंड वी हैव राहुल देव भ्यून की भूमिका में राहुल भीम ऐसा व्यक्ति था जब वहां पर पासे फेंके जा रहे थे उसने विरोध किया था आपको लगता है कि आज की तारीख में बहुत सारे भीम की जरूरत है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हों न्याय की पैरवी करें और हर गली हर मोहल्ले में ऐसे होने चाहिए हेलो एवरीवन माय सीनियर्स वंडरफुल टू बी हियर सो लेट मी ब्रेक द बैरेज ऑफ हिंदी तो सही कह रहे हैं आप कि होना ही चाहिए क्योंकि अभी ट्विटर पे देखो या कहीं पे भी देखो न्यूज में देखो अभी थोड़ी देर पहले ही शत्रु जी ने मेंशन भी किया था मी टू तो आई रियली विश कि जो भी कुछ हो रहा है या स्पेशली अगेंस्ट वेमन तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं जब छोटा था ना मुझे एक किताब थी राजगोपालचार्य जी की तो पता नहीं कैसे मेरे घर में थी तो शायद माँ ने ला के दी होगी किसने ला के दी होगी अंग्रेज़ी की वो महाभारत थी तो मैं पता नहीं क्यों वो दिल्ली का लड़का था तो जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम लोग लाइक एक टाइम होता है हर कोई एक सुपर हीरो कॉमिक पढ़ता है फैंटम मेरा फेवरेट कैरेक्टर था तो इस किताब में मुझे यही लगता था कि और मुझे लगता था कि वो किताब मेरे आयु से काफ़ी आगे थी उस वक्त मैं जहाँ वो बैटल उनका ख़त्म होता था 18 दिन वहाँ वो किताब छोड़ दिया करता था उसके आगे नहीं पढ़ा करता था क्योंकि उसके बाद मुझे बोरिंग लगता था उस ज़माने में मतलब मैं 10 या 11 साल का था बिल्कुल तो वहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी और जो शानदार बात इस में है कथा में यही है कि हर एक कैरेक्टर का एक महत्व है मतलब कोई छोटे से छोटा हो एक इनफैक्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे एक पूरा पूरा पूरी पूरी फिल्म दर्शाई जा सकती है छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे वो जो एग्जाइल का पीरियड है उसी में ही इतनी सारी स्टोरीज हैं
तो भीम को लेके ये था मेरा कि अगर आज जैसे कि भीम हो तो जो एक भरी सभा में उस जमाने में भाइयों का आदर, सीनियर्स का आदर, वो अगर आवाज उठा सकता है उस सभा के अंदर, और आज अगर मतलब आज की दुनिया में ऐसा भीम हो, आवाज उठाए भी और करके दिखाए भी, तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाए. मतलब इंस्टेड ऑफ यू नो 40 साल केस ही चल रहा है, 30 साल केस ही चल रहा है, सब बूढ़े भी हो गए हैं, और जब सजा हुई या नहीं हुई तब कोई उसका कुछ यू नो महत्व भी नहीं. तो भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिंपल है, राइचियस है, मतलब वो सिंप्लिसिटी भी है उसमें, मिस्चिवस भी है, राइचियस भी है. उसका जो मेन अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि इतना बल होने के बावजूद भी हम्बल है, ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में, बहुत बड़ी मतलब बहुत ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में. बिल्कुल. और फिर वो रूल्स को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ देता है, जहाँ उसे पता लगे भी जंगे पे मारना है, जंगा पे मारा उसने, मतलब जो कि उस टाइम का एक रूल था कि शायद नहीं करना चाहिए, भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए सभा के अंदर, वो भी बोला उसने. तो वो अंदर से एक इमोशन और सच पे जाता है ज़्यादा, और जो उसको इम्पल्सिवली जैसा जैसा लगता है वो वैसा वैसा करता है. बहुत बड़ी बात बोली आपने कि इतना हम्बल थे भीम, जबकि इतने ताकतवर थे. बस एक बार उनको गुरूर आया था, तो जब गुरूर आ गया शत्रु जी, तो वो बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है. जी जी बिल्कुल बताइए. फेवरेट स्टोरी यही है कि वो वायु पुत्र ये भी हैं, तो रामायण जैसे कि अभी सबने मेंशन किया, 2-3 लोगों ने कि रामायण उसमें वायु पुत्र जी हनुमान जी हैं. और फर्क यही था कि उधर वो यू नो वो एक बार वो मोतियों का हार भी है, वो तितर बितर कर देते हैं कि राम नहीं है इसमें, खोल के दिखा भी देते हैं कि राम ही अंदर है. तो उस कैरेक्टर में भी ना बहुत ही सिंप्लिसिटी है जी. तो जब जाने का वक्त आता है तो उन्हें कहा भी जाता है कि भैया आपको यहाँ रहना है क्योंकि मेरे साथ नहीं जा सकते. इस किताब में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको जाने के लिए मना किया गया है, मगर शाप है उसको, अश्वत्थामा जो है जी जी. अश्वत्थामा को शाप मिलता है इसमें कि वो बच्चों को जला देते हैं वो शिविर के अंदर पांडव समझ के. तो उसमें फिर वो गुरूर जहाँ उसका आता है, उछलता है थोड़ा बहुत वहाँ फॉरेस्ट के अंदर ना, तो मतलब ब्लेसिंग भी मिलती है उनको हनुमान जी के बड़े भाई की, मतलब जहाँ उनको पूंछ को भी नहीं हिला सकते ये जी. और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि मैं ध्वज बन के रहूँगा अर्जुन के उस पर, मतलब एक तरीके से आप सकते हैं गूगल मैप्स हम लोग कहते हैं आज जी. तो उस टाइम की उनके चैरिट के गूगल मैप्स थे हनुमान जी, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कहाँ उनकी आवश्यकता है फील्ड में. तो बिल्कुल भीम का गुरूर हनुमान जी ने तोड़ा था. और ये कि हर जीवन में एक सीखने वाली बात है कि भीम जैसा बलशाली कोई था ही नहीं हमारे पूरे, अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास उठा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान ने उसे दर्शा दिया कि देखो हर इंसान का एक बाप होता है. जयती इस समय हमारे साथ में मौजूद है, एक बार जयती के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. हम कह सकते हैं कि हमारे रेडियो स्टेशन की बहुत फेवरेट हैं ये, और कोई भी प्ले होता है तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि हर रंग में हर रूप में बिल्कुल परफेक्ट हैं. तो गांधारी की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जो अपने आंखों में पट्टी बांधी रहती है सिर्फ अपने पति के प्यार में, क्योंकि उसका पति अंधा है और वो नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी. आपको लगता है कि आज के समाज में भी ऐसा कुछ हो रहा है, लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें और अपने आंखों में पट्टी बांध देते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बम्बई आए 21 साल हुए, आज मुझे ना बहुत सार्थक लग रहा है यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ के. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली. हाँ, गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली क्योंकि उसे पता नहीं था कि के जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं और उनके साथ उनका विवाह हो रहा है. भाई आकर बताते हैं तो उन्हें पता चलता है, और शायद वो जैसे कहते हैं कि हम अपने पति का अनुकरण करेंगे, एक उस समय हुआ करता था, तो उन्होंने भी अपने पति का अनुकरण करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली. आज के समाज में मैं ये कहूँगी कि हम जो महाभारत लोगों को सुना रहे हैं उसमें गांधारी का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमेशा ये सुमंतों ने किया है कि कैकई को भी उन्होंने एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था, उसकी भी जो एंग्स थी, किस तरह किस लिए वो आई थी दुनिया में, उनका काम किया था, उनको किस कर्म के लिए रामायण में उनका किरदार आया था, वो भी एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था. वैसे गांधारी का भी यहीं पर है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाया जाएगा कि उन्होंने अनुकरण तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात की ठेस भी थी कि ये कहीं ना कहीं वो गलत अपने आप को मानती थी. दूसरी बात, मैंने एक बहुत खूबसूरत सीन किया, छोटा सा सीन था, जिसमें कुंती और पांडु वापस आते हैं राजभवन में,
और वो कुंती के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरी आंखें बनकर रहोगी, क्योंकि एक एक वुमनहुड, एक जो एक वुमेन फोक का एक साथ रहना, एक स्ट्रेंथ, वो मेरे ख्याल से वो गांधारी और कुंती के बीच में एक बॉन्ड बनता है। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली तो इसीलिए वो लोगों के भीतर झांक सकती थी। क्या बात, बहुत। और इसीलिए वो जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसके बियॉन्ड वो देख पाती थी, क्योंकि वाइब समझती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये किरदार अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और महाभारत एक ऐसा एपिक है जो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है, हर किसी के। मैंने एक प्ले पढ़ा है, मैं थिएटर करती हूँ, धर्मवीर भारती की एक प्ले है जिसका नाम है अंधा युग। जी बिल्कुल। उसकी शुरुआत द्वारपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं और फाइनली गांधारी पर आता है जहां वो कर्स करती है, श्राप देती है कृष्ण को कि तुमने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली तो अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। थैंक यू सो मच अमर। यदि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इस किरदार को बिल्कुल जीवंत कर दिया, इतने सालों बाद भी अगर आज इसे सुने तो मैं जब रेडियो शो करता हूँ तो ये प्ले होता है 1 बजे दोपहर को मेरे शो के बीच में होता है और मैं इतनी गुणगान करता हूँ हर कलाकार की, इतना खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने जो प्रस्तुति दी है वाकई काबिले तारीफ है। मैं कहूँगा भूतो न भविष्यति। शत्रु जी, ये ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ऐसे किरदार एक साथ निभाना इतने सारे लोगों के बीच में वाकई काबिले तारीफ है। और हमारे बीच में दिलीप ताहिल जी मौजूद, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। द्रोणाचार्य की भूमिका अश्वत्थामा, ये मतलब जैसे कुछ समय पहले राहुल बता रहे थे, अर्जुन का आना बीच में और उनके साथ छल होना, द्रोणाचार्य की भूमिका अगर बात बात करें तो आप क्या क्या सीख लेते हैं, क्या बोलना चाहेंगे कि उनके साथ वाकई अन्याय हुआ था या उन्होंने अन्याय का साथ दिया था? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे, गौरव जी ने और सुमंत्र जी ने मुझे बुलाया महाभारत करने के लिए। इतने बढ़िया कलाकारों के साथ जो हमारे मित्र भी हैं, जयती जी, सिन्हा साहब, शिल्पा, विवेक, राहुल और मेरे पुराने और अजीज मित्र शक्ति कपूर को मैं क्या बात, कभी नहीं भूल पाऊंगा। स्टेशन फॉर डबिंग, कैसा था आपका अनुभव, आपको कैसा लगा करके? आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैं थोड़ी सी डर गई, क्योंकि काला जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। पृष्ठ संख्या कुछ ऐसे ऐसे, बट इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया और ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे लगा नहीं कि मैं इसे पूरी तरह से निभा पाऊंगी, क्योंकि क्या है, नॉर्मली जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं, एक किरदार दिया जाता है आपको, देन यू टेक योर पेंट ब्रश एंड यू कलर इट, यू नो, एंड यू ब्रिंग इट टू लाइफ। यहाँ पे ये जो किरदार दिया गया मुझे वो ऑलरेडी आइकॉनिक किरदार है, तो द ओनस वॉज जस्ट टू मच, द बेंचमार्क वॉज वेरी हाई। और ऐसे ऐसे कमाल के कलाकार जिनके वॉइस, आई थिंक फॉरगेट वॉइस, देयर टैलेंट इज यू नो अनसरपासेबल, एंड मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और पहले दिन पे आप यकीन नहीं मानोगे, पूछ लीजिए हमारे डायरेक्टर साहब से, मैंने सीन पढ़ा और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे डबिंग थिएटर आई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाई, और मैं उठ गई। तो उन्होंने बोला, उनको फिर 5 मिनट लगा मुझे कन्विंस करने के लिए। और क्या है, डर इस बात का नहीं था कि मैं ठीक करूँगी कि नहीं, डर इस बात का था कि मैं, आई फील देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मीडियोक्रिटी, और अगर मैं करूँगी तो मैं सबसे बेहतरीन करना चाहती हूँ, यू नो, काम। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव अ कमांड ऑन द हिंदी लैंग्वेज, और ये बहुत ही मतलब क्लिष्ट हिंदी है। सो तो फिर मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पहला सीन हम लोगों ने शूट किया, आई मीन सॉरी रिकॉर्ड किया, देखिए स्वराज, इट्स सो लाइक यू नो, इट्स सो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये भी था कि आप एक शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है टू फेस द कैमरा, यू आर नॉट फेसिंग द कैमरा, यू आर जस्ट, एंड या सो
सो फॉर यू आप लोगों को लगता होगा कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हैव टू डू द बैक एंड प्रिपरेशंस एंड यू जस्ट हैव टू गो एंड स्पीक, नो इट इज मोर, क्योंकि हाफ द जॉब वाज ऑलरेडी डन ना, इफ यू आर डूइंग अ मूवी यू हैव ऑलरेडी गॉट एन एक्शन टू व्हिच यू आर पुटिंग इन योर रिएक्शन इन द डबिंग थिएटर, सो द वर्क इज फार लेसर फॉर अस. बट व्हेन आई हर्ड यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक वाओ, एंड it was really, I thought nobody could do it better than you. I mean, I had not seen you, I just heard you, and it was amazing. I want to cry now. तो जो पहला सीन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया डबिंग थिएटर में वॉज द जो मैं प्रण लेती हूँ चीरहरण वाला सीन जो था, और यकीन नहीं मानेंगी आप और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा उस सीन को और सुमो को कहा कि लेट्स जस्ट गो विथ इट, इन्होंने एक्शन कहा, आई डिड इट इन वन टेक. और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इस रोल को डब कर रही थी देर वॉज समथिंग विद इन मी दैट केम अलाइव, एंड दैट इज़ समथिंग जो आप कंट्राइव नहीं कर सकते. तो वो जो पावर था, दैट इंडिग्नेशन, दैट इंसल्ट, दैट पेन दैट शी वेंट थ्रू एज अ वुमन, that I didn't even need to enact. It was just, it just came out from within. And you know, my stomach was churning when I was doing that scene, ke what she must have gone through. So that thing just came out, and I actually burst out crying in the dubbing theater after dubbing it. Aur phir mujhe rokna pada apne aap ko, aur phir pata nahi main shayad beh gayi thi us moment mein, us emotion mein. And like you rightly said, it was a very, very, it's one of the hardest roles I've ever played in my life, and I don't know, and I think the best. Thank you. Thank you. And uska pura shrey hamare director saab ko jana chahiye. Aur Kala ji jinhone mera jeena mushkil kar diya tha. Kala ji khade ho jao, Kala ji khade ho jao beta, exercise karwa rahe hum aapko. Kala ji aap idhar aao, Kala ji idhar aao. And Gaurav, who was convinced that I should do this role. So thank you very much. There's thank one so incident much. I would like to you know, mention here, how dedicated sir Sonal ji se hi. Hum do mahakavyon ki baat jo hai lagatar karte ja rahe hain. Mahabharat definitely jo aapka show hai wo to successful hua hai, sath sath hum Ramayan ki bhi baat kar rahe hain. Hi, रामायण की भी लगातार बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं. फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में सर जो जजमेंट आना था वो टाल दिया गया, उस पर रिएक्शन सर आप लोगों का अगर रिएक्शन मिल जाए सर. एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ महाभारत के बारे में बात की जाए, इस रेडियो शो के बारे में बात की जाए. एक मिनट जी सर रिएक्शन क्यों दें पिछला. हाँ जी, क्या क्यों है? लास्ट क्वेश्चन क्या था, एंड क्वेश्चन क्या था सर? ये जो एंड क्वेश्चन क्या था, एंड क्वेश्चन यही था सर, रिएक्शन चाहिए था सर, जो ये टाल दिया गया है फिलहाल, जजमेंट टाल दिया गया, उस पर सर आपका रिएक्शन जी. जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल, और जो मामला अभी धर्म कर्म की चार दीवारी से बाहर निकलकर राजनीति के मर्यादा के अंदर शामिल हो चुका है, उसके मामले में, उस मामले में मुझे या आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. ये बहुत ही नाजुक संवेदनशील मामला है, और इसमें जो है बहुत कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है. और ये एक तरफ जनमानस से जुड़ा हुआ मामला अवश्य है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको उलझा दिया गया है कि अब इसका फैसला हमने चाहा था कि लोगों की मानसिकता या लोग आपस में मिलकर इन बातों का फैसला कर लें कोर्ट की चार दीवारी के बाहर, लेकिन कोर्ट की चार दीवारी से बाहर जब नहीं हो सका, अब कोर्ट के अंदर, वो भी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो उस मामले पे अब हम लोग ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करें तो बेहतर है, सिर्फ इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का. एक लास्ट क्वेश्चन मीडिया की ओर से, जो भी महाभारत जो रेडियो का प्ले है उसके बारे में अगर कुछ करना चाहें तो उसके सिवाय प्लीज़ मत कुछ करना. कोई सवाल शिल्पा और शिल्पा जी और शत्रु जी और विवेक जी से है. ये सवाल शान से जुड़ा हुआ है. आप सभी कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं, कितना गलत लगता है जिस तरह से शान जी के साथ जो चीज़ें हुई, कितनी अनफॉर्चुनेट हैं. और रिसेंटली वो शान जी एक गुवाहाटी में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे और अलग भाषा में गाना गा रहे थे, लोगों ने उनका विरोध किया और उन पर पेपर बॉल थ्रो किया, ये कितना गलत लगता है? आप तीनों से सवाल है. एक्चुअली मुझे भी खबर नहीं है. अच्छा, किसी को खबर नहीं है भाई यहाँ पे.
एज अ सेलिब्रिटी कितना लाइफ कॉन्सेप्ट की बात इनको खबर मालूम होती तो जरूर रिएक्ट करते हैं, इनको खबर ही नहीं मालूम है। मालूम कुछ हद तक मालूम तो है, लेकिन सवाल किससे? तीनों से, शत्रु जी से, शिल्पा जी से, जो जवाब दे सके। मधुर भाषा में अगर शिल्पा जी जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन पर खबर आप जानते भैया। हम तो खैर, मेरा तो नाम अब्दुल है, मेरा सबकी खबर रखता हूं। मैं तो क्योंकि बाकी किसी को नहीं मालूम है। नहीं नहीं, ये आपने जो कहा है, जो कुछ बातें हुई थी वहां पे, और वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों की बराबर की अहमियत है और होनी चाहिए। बिल्कुल। मातृभाषा एक तरफ आपको संस्कार देती है तो राष्ट्रभाषा आपको व्यवहार देती है, और विदेशी भाषा आपको व्यापार देती है। तो इन तीनों का समन्वय बहुत आवश्यक है, और इसलिए अगर कहीं पे हमारे किसी कलाकार ने अगर गाने की कोशिश की या किसी भी भाषा में, अपनी प्रांतीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में, तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने विरोध किया उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उसके पीछे कुछ अन्य कारण हो तो उस पर मैं रोशनी इस वक्त नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सारी भाषाएँ, चाहे मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, वो हमारी भाषाएँ, और अब सब उससे प्यार करते हैं। माँ सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन अपनी माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में अगर गाना गा रहे थे या गाने की कोशिश की उन्होंने, तो उसकी मैं समझता हूँ प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जैसे अभी आपने रेडियो पे लोगों को अपनी आवाज से बस एंटरटेन किया है, और पहले आपने वेब सीरीज भी बहुत सारी की है, इनसाइड एज की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों ने काफी पसंद किया, काफी बातें हुई है, काफी आपके कैरेक्टर को सराहा गया है, और सुनने में आया कि इनसाइड एज एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। क्या क्या तैयारी हैं और किस तरह से कांग्रेस, किस तरह से अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से, और क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो धन्यवाद। हाँ, बहुत खुशी हुई ये जानकर, क्योंकि एक हिंदुस्तानी वेब सीरीज़ को इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईएस्ट जो अवार्ड है वो एमी है, और उसके लिए एक नॉमिनेशन जीतना ये पहली बार हुआ है, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई सभी को। पहले तो हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ में, क्योंकि अमेज़ॉन की ग्लोबल जितनी कंटेंट है उन सब की नॉमिनेशंस में से इकलौता ये नॉमिनेशन रहा, और बहुत कड़ा कंपटीशन रहा, उसके बावजूद हम आगे हैं, फॉर रनिंग है, और पूरी तैयारी हो रही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैंने भी एक निजी तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मुझे एक समय में, क्योंकि शत्रु अंकल अभी भाषा की बात कर रहे थे, तो एक समय मुझे दक्षिण की चारों भाषाओं में एक एक फिल्म करनी थी, तो मेरी अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आखिरी फिल्म मलयालम की, जो मुझे लगता है सबसे कठिन भाषा है, वो चल रही है अभी, तो मैं उसकी डेट्स एडजस्ट करने की कोशिश में हूँ। मोहनलाल सर हैं उसमें, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया है ताकि मैं कुछ समय निकाल कर इस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड कर पाऊँ हमारे दोस्तों के साथ, फरहान, रितेश, ऋचा चड्ढा, करण अंशुमन जो क्रिएटर ऑफ द शो हैं। और मज़ा इस बात का है कि जिस समय हमें ये खुशखबरी मिली, हम सब सीज़न टू, इनसाइड एज सीज़न टू शूट करने के लिए विदेश गए हुए थे, सब वहीं साथ में थे, और एक साथ में ये खबर आई और हम सब निकल चले, रात भर खूब पार्टी की, खूब जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया उसे। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, और महाभारत की सफलता के लिए एक केक कटिंग है, और दिलीप साहब का बर्थडे भी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अपने स्थान पर आप लोग प्लीज़